डेढ़ महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है कोरोना वायरस के लॉकडाउन को। जी हाँ, इसी लॉकडाउन के चलते अब देश भर में उसकी आर्थिक संकट पर बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई है। जी हाँ, लॉकडाउन के कारण लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का काम भी ठप पड़ चुका है, शूटिंग रुकी गई है और इस वजह से ग्लैमर वर्ल्ड के सितारे भी काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। उनकी आमदनी पर करारी चोट पड़ी है और इसी बीच आई है एक ऐसी खबर, नागिन सीजन 4 की अदाकारा यानी कि एक्ट्रेस शांतनी घोष से। जी हाँ, शांतनी घोष ने अपना दुख बयान किया है। शांतनी घोष का दर्द छलक रहा है। बता दें कि शांतनी घोष ने खुद बताया है कि कैसे वो लॉकडाउन के बीच एक्टर्स की कमर टूट चुकी है। इस बारे में उन्होंने खुलकर बताया है। शांतनी घोष ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद घर पर बैठी हूँ मैं, मेरे शोज की शूटिंग बंद होने की वजह से पैसे आना भी बंद हो गए हैं, मेरे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी है, अपने घर और गाड़ी की EMI मैं कैसे भरूंगी। शांतनी घोष ने यह भी कहा कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे पता है लॉकडाउन हम सब के लिए अच्छा है और इससे हम कोरोना महामारी से बच भी सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो मुझे इस लॉकडाउन की वजह से अपनी कई सारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक समस्या को देखते हुए अगर लॉकडाउन में शूटिंग शुरू भी होती है तब भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। टीवी एक्ट्रेस ने आगे बताया कि इस समय मेरे अलावा कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस मुसीबत को झेल रहे होंगे, हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है, काम नहीं है तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, मेरी तरह कई लोग की EMI जानी भी होगी। बता दें कि चांदनी घोष ने यह भी कहा कि भले ही सरकार ने EMI के मामले में कुछ राहत दी हो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा, इन सभी प्रॉब्लम्स में काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी। दिल इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी है कि रोज़ कमाकर खाने वाले लोगों का आखिर क्या हाल होगा, ये समय हम सभी पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द सरकार इसको लेकर कोई रास्ता निकाले। तो ये है वो दर्द जो छलका है शांतनी घोष का, अपने काम को लेकर, अपनी EMI को लेकर, घर खर्च को लेकर, पैसों को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।